भगवान का नवा अवतार, दसवा अवतार मत्स्य अवतार, ग्यारहवा अवतार कच्छप अवतार, ये भगवान समुद्र मंथन के समय लेते हैं और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं। बारहवा अवतार धन्वंतरी जी के रूप में लेते हैं। धन्वंतरी जी के रूप में भगवान ने अवतार लेकर हमें औषधियों का ज्ञान करवाया। ये जितनी दवाइयां आप लेते हैं ना अभी, ये सबकी शुरुआत हुई है धन्वंतरी जी से। उन्होंने सिखाया कि कैसे हम बीमारियां औषधियों से मिटा सकते हैं। तीन बातें उन्होंने लिखी कि अगर इन तीन बातों का आप जीवन भर पालन करते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां आते लोग तो ऐसे हैं जिनकी आधी जिंदगी तो चली गई, लेकिन फिर भी अगर आप अभी से पालन करें तो बहुत लाभ होगा। बच्चों को अभी से इन आदतों में ढालें। कैसी आदतें? सुबह उठते ही जल का सेवन। ऐसे जल हम पूरे दिन ही लेते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठते पहली चीज अगर आप कुछ ग्रहण करते हैं तो जल का सेवन करिए। दोपहर में दहिया छाछ का सेवन और रात्रि में दूध का सेवन। अब ये तीनों इधर उधर नहीं होने चाहिए। रात्रि में दही ले लेंगे और फिर कहेंगे हमारी तो तबीयत खराब हो गई, भाई क्या कह दिया किशोर जी ने, तो समय अनुसार ले। लेकिन अगर इन तीन चीजों का आप सेवन करते हैं आपको कभी भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। शुरुआत से अभी कितनी बीमारियां पहले ही लग चुकी होगी और अभी से फिर आप और फिर कहोगे आपने तो कहा था डॉक्टर को नहीं दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए बच्चों को इन आदतों में अभी से डाले और औषधियों का ज्ञान करवाया। तेरहवा अवतार भगवान मोहिनी रूप लेते हैं। इतने सुंदर लगते हैं भगवान। ये भी भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया मोहिनी रूप अवतार। फिर भगवान लेते हैं वामन अवतार, नरसिंह अवतार, सोलहवा अवतार भगवान लेते हैं परशुराम जी महाराज के रूप में, सत्रहवा अवतार वेदव्यास जी महाराज के रूप में, अठारहवा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में, उन्नीसवा अवतार बलराम जी के रूप में, बीसवा अवतार श्री कृष्ण के रूप में, इक्कीसवा अवतार भगवान बुद्ध के रूप में और बाईसवा अवतार जो कलयुग में होगा कल की अवतार। संबलपुर गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर भगवान अवतार लेंगे। उस अवतार का नाम होगा कल की अवतार। देखो तब तक कौन कौन रहता है। तो भगवान कलयुग में भी आने वाले हैं, लेकिन बहुत समय है, कई वर्ष है, वो भी आपको पता चलेगा कलयुग की आयु कितनी है, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रार्थना करेंगे उस अवतार तक हम बाकी योनियां पार कर ले और फिर वापस मनुष्य जन्म में आ जाए, ताकि भगवान के साथ हम भी हो। तो इस प्रकार भगवान ने कितने अवतार लिए? 24 अवतार। अब यहां पर शौन का ऋषि भगवान से कहते हैं कि पहली बार ये कथा किसने किससे कही, यानी एकदम शुरुआत हुई, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर कब पहली बार हुई, सबसे पहले पता कैसे चला इस कथा के बारे में और आप तक कैसे पहुंची। सूत जी कहते हैं सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी से कही हंसा अवतार में, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से कही और सुखदेव जी ने, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं मैं उनका शिष्य हूं तो मुझे अपना शिष्य समझकर कही। शौनकादि ऋषि कहते प्रभु भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, ये बातें समझ में आती है क्योंकि ये काम ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं। अब आपको भी कोई अच्छी बात पता चले आप अपने पड़ोसी को बताते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, लेकिन अपने तो वो भी ऊपर ही ऊपर बातें चल रही है। भगवान ने भगवान से कही, देवता ने देवताओं से कही, पर ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को वेदव्यास जी को कथा कहने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा, क्योंकि वेदव्यास जी पृथ्वी पर रहते हैं। सूत जी कहते हैं कि एक बार वेदव्यास जी, क्योंकि हम सब जानते हैं संत का अर्थ क्या होता है, जो जग कल्याण की चिंता करता है। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, संत की परिभाषा है कि जो अपने दुख सुख में सामान्य रहे।
अपने दुख सुख से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम सामान्य रहते हैं। लेकिन अगर वो दुखी होते हैं तो जग कल्याण के लिए, और सुखी होते हैं तो जग कल्याण के लिए, ऐसे होते हैं सच्चे संत। तो महाराज वो बैठकर चिंता कर रहे थे कि कलयुग में जो जीव होंगे उनका कल्याण कैसे होगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से धन के पीछे भाग रहे होंगे, रोगों से पीड़ित होंगे। पहले इतने रोग नहीं होते थे जितने अब होने लगे, तो कई रोगों से पीड़ित हो गया, छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े रोग लग जाते हैं, दुखों से ग्रसित होंगे, तो इन सब में उनका कल्याण कैसे हो। अब ये सोचते सोचते जब उन्हें रास्ते नहीं दिख रहे थे तो वो जोर जोर से रोने लग गए। अब संत रोते हैं तो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं। भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाकर देखिए वेदव्यास जी क्यों रो रहे हैं। नारद जी नीचे आते हैं, आकर पूछते हैं। वेदव्यास जी ने कहा, मैंने इतने वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पर उसके बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, कुछ लिखना बाकी रह गया है। तब नारद जी कहते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो भी लिखा उन सब में ज्ञान को महत्व दिया। किसे महत्व दिया? ज्ञान को, जैसे क्या करने से क्या होगा, क्या पुण्य करने से क्या फल मिलेगा, क्या पाप करने से क्या दंड मिलेगा, ज्ञान क्या है इत्यादि। और कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सब अपने आप में बड़े ज्ञानी होंगे। सच्ची बात है, आप एक ज्ञान की बात बताओ सामने से वो चार और बताएंगे। आजकल किसी का भला करना भी, अब किसी को अच्छी बातें बता दो वो आपको और चार, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो ये छोड़, तुम बड़े ज्ञानी। तो ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होंगे। पर नारद जी कहते हैं, भक्ति रस सुनने वाले बहुत होंगे कलयुग में। आप भगवान की लीलाएं लिखिए, जैसे आप यही देख लीजिए, आप अगर कोई यहां पर ऐसा हो जो ये बात ना मानता हो कि भाई ज्ञान सुनने वाले नहीं हुए, ये 7 दिन की कथा है। 7 दिनों में सबसे ज्यादा संख्या या आनंद का दिन या सबसे ज्यादा प्रसन्न कब रहते हैं सब कोई? 4th दिन कृष्ण जन्म। क्यों? उस दिन बहुत ज्ञान की बातें, उत्साह है, आनंद है, उत्सव है। और सबसे कम संख्या किस दिन होती है? और सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें उसी दिन। कल मैंने आपसे इसलिए कहा कि अब से हर दिन एक उत्सव है, कभी शिव विवाह है, कभी प्रहलाद चरित्र, कभी कृष्ण जन्म, कभी कृष्ण रुक्मणी विवाह, हर दिन आपके लिए उत्सव है, सिवाय पहले दिन। पहले दिन ज्ञान है, आपको महत्व समझाया जाता है, उसके बाद लीलाएं बताई जाती है। तो सबसे कम भीड़ या कम संख्या भक्तों की उसी दिन होती है। तो ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं है। तो नारद जी ने कहा, आप भगवान की लीलाएं लिखिए, भगवान ने क्या क्या किया, क्यों किया, कारण क्या था, ये सुनने वाले बहुत होंगे कलयुग। तब वेदव्यास जी लिखना आरंभ करते हैं। सबसे पहले वेदव्यास जी महाभारत का चरित्र लिखते हैं। आइए महाभारत का चरित्र प्रसंग हम 7वें दिन सुनेंगे विस्तार में। अभी मैं आपको बहुत संक्षेप में बताती हूं, महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका था, पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई, धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार हुई। रणभूमि में दुर्योधन लेटे हुए हैं, यूं कहूं थोड़े कठोर शब्दों में, पड़े हुए हैं, अंतिम सांसें ले रहे हैं, पर मृत्यु नहीं हो रही। अब उनके मित्र अश्वस्थामा आते हैं। अश्वस्थामा ने आकर कहा कि मित्र सब कुछ तो खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? दुर्योधन ने कहा कि हम 100 कौरव थे, 100 के 100 मारे गए, सामने 5 पांडव थे, एक भी कम नहीं हुआ।
ये बात मुझे मरने नहीं दे। संभव है ऐसी चीजें? सामने 100 आदमी खड़े हैं, दूसरी तरफ 5 खड़े हैं, और 5 जीत जाए और 100 के 100 मर जाए, ऐसा हो सकता है कभी? 5 में से एक तो कम होगा कम से कम, चलो कुछ ना हो कैसे तैसे, उनको भी चोट लगेगी इनको भी, लेकिन 100 मारे गए, 5 में से एक कम नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा ये बात मुझे मरने नहीं दे रही, ऐसे कैसे हो सकता है? और हमारे साथ कौन कौन नहीं थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा ने कहा मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बोले अगर कर सकते हो तो मुझे 5 पांडवों के कटे हुए सर ला कर दे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है। रात्रि के समय वो पांडवों का शिविर लगा हुआ था, अभी सब वापस अपने राज्य नहीं गए थे, शिविर लगा, अंधेरा है, पहले आज के समय जितनी लाइट इत्यादि होती नहीं थी तो बहुत अंधेरा है। तो पांडवों की जगह वो 5 पांडवों के जो पुत्र हुए थे उनके शिविर में चले जाते हैं गलती से। अब शिविर के अंदर भी अंधेरा है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सो रहा है, उन्हें लग रहा है 5 पुत्र हैं, वो 5 पांडव सोए हैं। अश्वत्थामा ने तलवार निकाली और 5 पुत्रों के सर काटे, सर काटकर 5 सर थाली में रखकर कपड़े से ढककर, अब सब काम शिविर के अंदर हो रहे हैं, अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि वो बाहर कर नहीं सकता, बाहर सैनिक खड़े हैं। उसने 5 सर रखे, उस पर कपड़ा ढककर वो दुर्योधन के पास आता है। अब दुर्योधन को ऐसा वरदान प्राप्त था कि श्राप था मैं कि उन्हें उनकी मृत्यु तब आएगी जब दुख सुख एक साथ अनुभव होंगे, एकदम एक साथ। तो दुर्योधन दूर से देख रहे हैं कि थाली में 5 सर आ रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुआ उसकी प्रसन्नता का कोई, लेकिन वो प्रसन्नता शुरू ही हुई थी कि अश्वत्थामा ने कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही दुर्योधन रोने लग गया, ये क्या कर दिया, इन्हें क्यों मार दिया, अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करते, यही तो आखिरी बच गए थे, अब हम कौरवों की कोई गति नहीं है, अब शायद ही किसी को मुक्ति मिलेगी हम में से। और क्योंकि दुख सुख एक साथ अनुभव हुआ, रोते रोते दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु तो यहां हो गई। विचार करिए द्रौपदी जी पर क्या बीत रही है। आज कभी किसी माता के पुत्र या पुत्री, उनके संतान की थोड़ी सी ज्यादा तबीयत भी खराब हो जाए, उस माता की क्या हालत होती है। और यहां एक साथ 5 पुत्र मारे गए। अर्जुन ने सैनिकों से पूछा यहां कोई आया था? बोले अश्वत्थामा आए थे रात को हाथ में तलवार लिए। अश्वत्थामा को पकड़कर लाया जाता है। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी जी से कि तुम्हारे सामने इसे मारा जाएगा, शायद तुम्हें थोड़ी शांति मिले। द्रौपदी जी ने कहती कैसी शांति, इसको मारने से मेरे बच्चे वापस थोड़ी आ जाएंगे, और ये भी तो किसी का बालक है, मैं नहीं चाहती जो हाल मेरा हुआ है, जो हालत मेरी हो रही है, किसी और माता की हो जाए। और गुरु का पुत्र है, इसकी हत्या का कलंक लगेगा सर पर, जाने दो। मारते नहीं हैं पर अपमानित कर देते हैं, अश्वत्थामा के केश काट दिए जाते हैं, और उनके सर पर एक मणि लगी थी, वो मणि निकाल ली जाती है। ऐसे भी अश्वत्थामा को मार नहीं सकते थे, अश्वत्थामा अमर है। कितने लोग अमर हैं पता है आपको? 7 लोग अमर हैं, आज भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, अभी तक उनकी मृत्यु नहीं हुई और कभी होगी भी नहीं। कौन कौन? आइए मैं आपको एक श्लोक बताती हूं, उसको याद करो तो आपको इतने नाम याद करने की जरूरत है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाना च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तऋषि चिरंजीवी। कौन कौन हुए? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, बलिर्व्यासो यानी राजा बलि, और वेदव्यास जी महाराज,
अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण, हनुमान जी महाराज और विभीषण जी, कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी और परशुराम जी महाराज, सप्त ऋषि चिरंजीव, ये सात ऋषि आज भी अमर है। अश्वस्थामा अमर थे, उन्हें मार नहीं सकते थे, लेकिन कहते हैं ना, आप झगड़ा कर लो, दस बातें सुना लो, बात बंद कर दो, पर अपमानित मत करो, किसी को अपमानित मत करो, उनके स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाइए, क्योंकि उसके बाद व्यक्ति जो कार्य करता है वो वश में रहकर नहीं करता।